दोस्तों मी ए थ्री के कैमरा में मुझे फिलहाल कुछ जो है प्रॉब्लम नज़र आई है जो कि मैंने नोटिस की है, तो वहीं आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फोन में कुछ प्रॉब्लम जो है 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो ऑप्शन अगर हम ऑन करते हैं तो उसमें मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके साथ मैं कुछ इमेजेस अभी शेयर करूंगा और बताऊंगा उसमें क्या प्रॉब्लम मुझे नज़र आई है। तो अभी हम चलते हैं फोटोज में, और ये जो है ये तो एक जो है नॉर्मल फोटो है, ये डेप्थ इफेक्ट में ली हुई फोटो है, बैकग्राउंड वगैरह काफ़ी अच्छे से इसमें ब्लर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है ये थोड़ी सी डल नज़र आती है, जबकि यही इमेज सेम पोजीशन से मैंने खींची थी। तो ये जो है ये 12 मेगापिक्सल के कैमरे से ली हुई, लेकिन ये काफ़ी ब्राइट और बहुत ही अच्छी शार्प इमेज निकल के आई है, जबकि ये यहाँ पर जो है डेप्थ इफेक्ट में जो फोटो निकाली है ये डल हो चुकी है पूरी तरह से। बैकग्राउंड तो ठीक ठाक ब्लर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डायनेमिक रेंज है वो पूरी तरह से बेकार सी नजर आ रही है। और ये जो नॉर्मल मोड की फोटो है ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर शार्प फोटो निकल के आई है। अब इसके बाद जो फोटो ये है ये निकाली हुई है 48 मेगापिक्सल से, तो आप देख सकते हो ये फोटो डल है और नॉर्मल मोड की फोटो काफी ब्राइट आई है। यहाँ पर शायद आपको वीडियो में इतना डिटेल में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने जो कंपैरिजन किया उसमें मुझे कंप्लीटली दिख रहा है ये 48 मेगापिक्सल से निकाली हुई फोटो है। आप इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो 20 MB की ये जो इमेज है ये यहाँ पर आपको मिलती है 48 मेगापिक्सल से मैंने निकाला था। तो ये जो है डल इमेज है और ये 12 मेगापिक्सल से निकाली हुई इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो 6.7 MB की ये इमेज आई है 12 मेगापिक्सल पे। तो ये इमेज काफ़ी बेहतर और अच्छी निकल के आई है। इसके बाद अगर हम ये वाली भी इमेज देखते हैं तो आप देख सकते हो ये 48 मेगापिक्सल इसका रिजोल्यूशन है, और इस इमेज में भी सेम वही प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो है डल पिक्चर दिखाई दे रहा है, जितना ब्राइट फोटो आना चाहिए था वो नहीं आया है, और यहाँ पर 12 मेगापिक्सल से मैंने जो पिक्चर खींची है तो ये काफ़ी शार्प और ब्राइट पिक्चर यहाँ पर ली गई है इस कैमरा से। तो ये जो है ये प्रॉब्लम मुझे अभी हाल ही में कुछ दिन से देखने को मिला है, शायद ये जनवरी अपडेट के बाद इसमें आया है। मैंने पहले कैमरा टेस्ट नहीं किया था, अभी हाल ही में कुछ मैंने इमेजेस निकाली थी 48 मेगापिक्सल के कैमरा से, तो मुझे ये जो है ये इसमें डिफरेंस दिखाई दिया। तो आप भी चेक करके जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपके मी ए थ्री के कैमरा में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। मुझे तो लगता है ये जनवरी अपडेट होने के बाद ही ये जो है प्रॉब्लम इसमें आई है कि 48 मेगापिक्सल अगर हम ऑन करते हैं तो पिक्चर काफी डल सी लगने लगती है। तो दोस्तों आप भी चेक करके कमेंट्स मुझे जरूर कीजिए कि आपके फोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो कैसी है और कैसी पिक्चर आप क्लिक कर रहे हो। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।